b plus c का होल स्क्वायर ए स्क्वायर इधर दो हाँ ए स्क्वायर उनके आगे ए स्क्वायर वहां पर ए स्क्वायर दो बार ए स्क्वायर ये हाँ b स्क्वायर c प्लस ए का होल स्क्वायर हाँ b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर ठीक है क्या करना आपने टू ए बी सी टू ए बी सी टू ए बी और सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का क्यू इज होल क्यू इसके अंदर क्या होगा आपका एक एक चीज को क्या करना पड़ेगा इलिमिनेट करना पड़ेगा और इलिमिनेट करके आपको इस फॉर्म पे सेट करना ठीक है एलिमिनेट के लिए आप रो भी सेट कर सकते हो कॉलम भी सेट कर सकते हो जैसे हम सबसे पहली बात करें कि मैं सी वन का मतलब क्या हो गया यहां पर सी वन का मतलब होता है फर्स्ट कॉलम उस फर्स्ट कॉलम को क्या कर रहा हूं मैं थर्ड कॉलम से माइनस कर रहा हूं सी वन माइनस सी थ्री सी वन माइनस सी ठीक है तब देखना क्या होगा इसका मतलब क्या है ये ए और ये तो ए नहीं हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है फर्क क्या पड़ेगा ये आ जाएगा क्या आ जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस और क्या है सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का ठीक है क्लियर अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं ये तो आपको भी ए क्या रहेगा आपका ए स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए प्लस बी का मेन बात है और ये बीच वाला क्या हो जाएगा आपका जीरो ठीक है क्लियर अब ध्यान से देखना आप ध्यान अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो क्या आता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी माइनस ए आया बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू बी सी माइनस ए इसको कहेंगे क्या मिलेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी ये चीज आप ध्यान रखना ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस माइनस सी वापस बोल रहा हूं अच्छा ये स्क्वायर है ना बी प्लस सी प्लस ए और बी प्लस सी माइनस ए इसको जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ऐसा है करता हूं देखा है इसको इससे करेंगे क्या आएगा बी स्क्वायर इसको इससे करेंगे बी सी इसको इससे करेंगे माइनस ए बी सी को करेंगे क्या आएगा बी सी इसको इससे करेंगे प्लस सी स्क्वायर इसको इससे करेंगे माइनस ए सी फिर इसको इससे करेंगे क्या आएगा प्लस ए बी इसको इससे करेंगे प्लस ए सी फिर इसको करेंगे माइनस ए इससे कैंसिल इससे ये कैंसर तो क्या बचा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी सी और बी सी कितना हो गया टू बी सी और माइनस क्या बचा ये आ गया कोई डाउ यहां तक पक्का फॉर्मूला ये फॉर्मूला
नॉट टू डिस्कस दैट बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस सी माइनस ए ए स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर जीरो सी प्लस ए का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर इसका सी स्क्वायर इसका जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके अंदर वापस हो जाएगा आपका सी प्लस ए प्लस बी सी माइनस ए माइनस बी इसको भी जब आप आपसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आए ठीक है क्लियर लास्ट पॉइंट में से जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपका फॉर्मूला निकाल दिया ए प्लस बी प्लस और सी तो क्या बचेगा फर्स्ट वाले में ए प्लस सॉरी बी प्लस सी माइनस ए ये जीरो और लास्ट वाला क्या था आपका सी माइनस ए माइनस बी ये बचेगा और ये ए स्क्वायर ये सी प्लस ए का होल स्क्वायर ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी स्क्वायर ठीक है अब अभी जो अपन यहां बात कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं ये वाला हो गया अभी ये फर्स्ट हो गई अब हम बात कर सेकंड रूट सी टू इक्वल बनेगा सी टू माइनस सी थ्री सी टू निकालना सी टू मतलब क्या है सी टू माइनस सी ठीक है सेकंड में से थर्ड को हम लोग क्या करेंगे माइनस बी प्लस सी माइनस ए जीरो सी माइनस ए माइनस बी हो गया ये करेंगे क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी प्लस सी प्लस सॉरी बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी यह जगह जीरो सॉरी बीच में जीरो ये जीरो आ गया इसको हम क्या कहेगा सी प्लस ए माइनस बी और सी प्लस ए प्लस बी सेम इसमें सी प्लस ए प्लस बी और सी माइनस ए माइनस बी क्लियर अच्छा इसमें कॉमन मिल जाएगा और ए कॉमन ऑलरेडी नहीं है तो क्या जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा बी प्लस सी माइनस ए जीरो सी माइनस ए माइनस बी यहां से क्या जाएगा सी प्लस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी और जीरो है जीरो सी प्लस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी और इधर ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का ये नहीं आता इसमें कोई डाउट तो नहीं नेक्स्ट आएगा जो आर थ्री का मतलब होता है आर थ्री माइनस आर आर थ्री माइनस आर ये ऑलरेडी है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो पहले से है बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर है ना सी माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का ये कर रखा है ठीक है अब देखिए ये तो ऊपर से ये भी रहेगा चलो माइनस ए है
अब उनके करके दो कर लेना ऊपर से आ रहा है, ऊपर क्या था? अच्छा ये तुमने ओरिजिनल लिख दिया ना, ये ओरिजिनल लिख दिया बोलना, लास्ट जो की स्टेप थी b प्लस सी माइनस ए, माइनस ए जीरो उधर हाँ, ए स्क्वायर उधर सब उधर ही जीरो हाँ, और जीरो से हाँ सी प्लस ए माइनस बी हाँ बी स्क्वायर हाँ सी माइनस ए माइनस बी हाँ सी माइनस ए माइनस बी हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर दूसरी इसमें वो भी कॉलम है अब वही आर थ्री माइनस वो करेंगे अपन आर थ्री इक्वल टू आर थ्री माइनस आर बी प्लस सी माइनस ए जीरो ए स्क्वायर जीरो सी प्लस ए माइनस बी और बी का स्क्वायर ये आ जाएगा इसमें इसको माइनस करेंगे क्या जाएगा सी माइनस ए माइनस बी माइनस बी माइनस सी प्लस ए ये माइनस जो है ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा आर थ्री माइनस आर वन करें इसमें इसको माइनस करेंगे नहीं हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी जीरो इधर और सी प्लस ए माइनस बी ठीक है लास्ट वाले में क्या जाएगा भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ठीक है बी प्लस सी माइनस ए रिलीज ये जीरो इसमें से अपन ये ए से कैंसिल जैसे कैंसिल हो गया तो भी कैंसिल हो गया इसमें सो सी सी माइनस ए माइनस बी माइनस माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस अच्छा सी है ये सी सी है सी भी कैंसिल तो क्या बच्चा माइनस टू बी ये जीरो C प्लस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आ जाएगा आपका कितना इसको अपने पहले किया तो क्या आया था इसको अपने अपन सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आएगा आर थ्री आर थ्री माइनस आर टू क्या आ रहा था आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ रहा था ना या कितना आ रहा था बी प्लस सी हाँ माइनस ए हाँ जीरो हाँ ए स्क्वायर हाँ जीरो हाँ सी प्लस ए बस ए माइनस बी ठीक है और बी स्क्वायर हाँ टू माइनस टू बी हाँ सी माइनस ए माइनस बी हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर हाँ तो वो आ गया बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बच गया वो ए से ही कट गया था हाँ ठीक है अब क्या करें अपन आर थ्री इक्वल टू आर थ्री माइनस आर टू ए प्लस बी और सी का होल स्क्वायर इसको अगर करेंट क्या रहेगा बी प्लस सी माइनस ए रिलीज जीरो ए रिलीज ए स्क्वायर ए रिलीज जीरो ए रिलीज सी प्लस ए माइनस बी ए रिलीज और बी स्क्वायर ठीक है इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस सी प्लस ए जो प्लस और माइनस हो जाएगा जो माइनस हो सो आर टू का ना पड़ा तो माइनस टू बी माइनस जीरो पहले में था उसमें सी माइनस ए माइनस बी
माइनस सी माइनस ए प्लस बी, जो माइनस है प्लस और जो प्लस है वो माइनस, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और माइनस बी स्क्वायर, कैंसिल ये यहां से बी ए सॉरी बी से बी से और सी से कैंसिल, ये कैंसिल नहीं है ना, तो बचा क्या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी माइनस ए जीरो माइनस टू बी जीरो सी प्लस ए माइनस बी, ये बचा माइनस टू ए, ठीक है, और यह आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और टू ए बी, क्लियर?